वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। बड़ा सवाल, मोदी सरकार की ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों निशाना साधती है? इन चेहरों पर गौर कीजिए। आज 11 बजे राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए। इसके अलावा इन चेहरों पर गौर कीजिए जिन्हें ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। एनसीपी के अनिल देशमुख, एनसीपी के ही नवाब मलिक, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, इन तमाम चेहरों पर गौर कीजिए। और यही बात नहीं, हेमंत सोरेन के खिलाफ एक खेल खेला जा रहा है और वहां पर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल इस वक्त उनकी गिरफ्त में है। वो पूजा सिंघल जिनके कथित भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा की सरकार में भी थी, मगर ईडी जो है सिर्फ हेमंत सोरेन के कार्यकाल की जांच कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता दूध के धोले हैं? क्या उनकी जांच नहीं की जानी चाहिए? दोस्तों, यह है कांग्रेस के मुख्यालय के सामने का हुजूम। यहां पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इन तस्वीरों के 30 सेकंड देखिए और समझिए कि इस मुद्दे पर कांग्रेस किस कदर लामबंद हो रही है। ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। यही नहीं दोस्तों, जैसे कि आप एनडीटीवी की इन तस्वीरों को देख सकते हैं, इसमें आज पुलिस से बाकायदा भिड़ंत हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। कांग्रेस चाहती थी कि दिल्ली के बीचों बीच कई जगहों पर वो प्रदर्शन करें, मगर पुलिस ने यह कह दिया कि आपको इजाजत नहीं है प्रदर्शन करने की, धारा 144 लगा दी गई है। इसलिए भिड़ंत की और टकराव की ये तस्वीरें सामने उभर कर आई। इस समय इस बस में कांग्रेस के कई नेताओं को फतेहपुर बेरी ले जाया जा रहा है। दिल्ली के तमाम जेलें भर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेसियों का हौसला बुलंद, हम फिर से प्रयास करेंगे। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अशोक गहलोत जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, दिग्विजय सिंह जी, दीपेंद्र हुडा जी, रंजीता रंजन जी, पीएल पुनिया साहब, गौरव गोगोई साहब, मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे साथ कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो सुबह से जूझते हुए ईडी के ऑफिस के बाहर जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन हमें अब फतेहपुर बेरी ले जाया जा रहा है। किस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे पर उग्र हो रही है, आइए सुनते हैं पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं, न उसे दबाया जा सकता, न झुकाया जा सकता। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके अघोषित आपातकाल लगाकर ये बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ईडी के सामने राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की पेशी की बात हो ही रही है। ईडी के सामने उन्हें पेश किया जा रहा है और इससे पहले आप जानते हैं कि विपक्ष के नेताओं पर भी कई मुद्दों पर गाज गिरेगी। तो राहुल गांधी के नाम पर ही सही, कांग्रेस इस मुद्दे पर खासी उग्र दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार हमला बोल रही है मोदी सरकार पर। और जैसे कि आपने रणदीप सुरजेवाला को सुना, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं और ये सब कुछ जो हो रहा है उन्हीं डर के परिणाम के चलते हो रहा है। मगर मैं आपसे वो सवाल फिर से पूछना चाहता हूं जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा, क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं? और क्या बीजेपी को लगता है कि जिस दिन वो सत्ता से बाहर जाएगी तो जो तमाम कारनामे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जिस पर मीडिया से लेकर तमाम लोग पर्दा डाल रहे हैं, क्या उसकी चर्चा नहीं होगी?
मिसाल के तौर पर रफाल घोटाले में या रफाल मामले में फ्रांस की एजेंसी ने बाकायदा रिपोर्ट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये कहा जाए मोदी सरकार ने फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला था कि रफाल मामले में इस शख्स यानी अनिल अंबानी को चुना जाए। जी हां, बाकायदा ये दबाव डाला गया था और बात यहां नहीं रुकती है। अब वायर की इस खबर के मुताबिक 500 मेगावाट बिजली की एक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के लिए श्रीलंका की सरकार पर दबाव डाला था। यही नहीं, वहां की एक कमीशन के सामने सुनवाई के दौरान उनके बिजली मंत्री ने बाकायदा इस बात को कबूला था, मगर फिर रहस्यमय तरीके से उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने दबाव और भावनाओं के में बह गया था मैं, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन पर क्या दबाव था कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम किया, और अगर दबाव नहीं था तो यह यू टर्न कैसे आ गया। तो बड़ा प्रश्न ये कि ये जो तमाम चीजें सामने उभर कर आ रही हैं, क्या इस पर उंगली नहीं उठाया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि ईडी भारतीय जनता पार्टी पर कार्रवाई नहीं करेगी, मगर राजनीतिक बदले के चलते जिस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है वो कई सवाल खड़े कर रही है, और विपक्ष पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है उससे एक और बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि विपक्ष का चेहरा आने वाले दिनों में कौन बनेगा। इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इस वक्त केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में सीधी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल तो उठाते रहते हैं, मगर बतौर राजनेता उनकी संजीदगी पर ढेरों सवाल हैं। इसके अलावा जहां पर भी राहुल गांधी का सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होता है या कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होता है, वहां या तो वो चुनाव हार जाते हैं या कुछ दिनों बाद उनकी सरकार ही पलट जाती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के कौशल पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। मगर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जुलाई के महीने में, 18 जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनावों के बहाने 15 जून को ममता बनर्जी जो है वो विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कर रही हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली बात, वो नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जीते, और भारतीय जनता पार्टी को हराने, उसकी नाक रगड़ने का इनके पास में काफी तजुर्बा है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के चुनावों में क्या हुआ था। मगर ममता बनर्जी खुद इतनी महत्वाकांक्षी हैं कि विपक्ष उनसे असहज हो रहा है। उल्टा हाल ही में नुपुर शर्मा मामले को लेकर जब कोलकाता के हावड़ा में बवाल हुआ था, दंगे जैसे हालात हो गए थे, तब ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था और सीधा बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन्स पर, ममता बनर्जी ने हिंसा भड़कने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल दंगे भड़काना चाहते हैं, साथ ही सवाल किया कि आम लोगों को बीजेपी के पापों के लिए क्यों भुगतना चाहिए। गौर कीजिए ममता बनर्जी यहां क्या कह रही हैं, आगे वो क्या कहती हैं आपके स्क्रीन्स पर। ममता ने कहा, मैंने ये पहले भी कहा है, दो दिनों से हावड़ा में सामान्य जनजीवन बाधित है, हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं जो दंगे भड़काना चाहते हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी, बीजेपी के पाप को लोगों को भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी पर इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हालात असामान्य हैं, नुपुर शर्मा मामले को लेकर वहां जो प्रतिक्रिया हुई है, वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े हो गए हैं, मगर ममता बनर्जी उस मुद्दे पर ध्यान दे रही हैं नहीं दे रही हैं, वो बहस का मुद्दा हो सकता है। उनका ध्यान इस वक्त विपक्ष को लामबंद करना है, उनका ध्यान इस तारीख यानी 15 जून को है जब वो दिल्ली आने वाली हैं और तमाम नेताओं से मिलने वाली हैं। मगर उससे पहले दो मोर्चों ने, यह कहा जाए दो पार्टियों ने उन पर अविश्वास जतलाया है। सबसे पहले वामपंथी यानी सीपीआईएम, और सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
सीताराम येचुरी ने कहा, ममता बैनर्जी की इस तरह की एक तरफा कोशिश राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष की एकता को नुकसान पहुंचाएगा। येचुरी ने कहा कि सोशल मीडिया से पता चला है कि ऐसा ही एक पत्र मुझे भी भेजा गया है, यानी कि सीपीएम ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। मगर ममता बैनर्जी अपनी तरफ से क्या क्या कोशिश कर रही हैं वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। टीएमसी सुप्रीमो ने कथित तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम और वामपंथी नेता पिनरई विजयन, ओडिशा के सीएम और बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित 22 नेताओं को खत लिखा है। आपके स्क्रीन पर शिवसेना नेता संजय राउत, जिन्होंने कह दिया है कि उस वक्त उद्धव ठाकरे अयोध्या की यात्रा पर रहेंगे इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, उनकी जगह शिवसेना का कोई और नेता वहां पहुंचेगा। यही नहीं, ममता बैनर्जी अपने नेतृत्व में भारत के गैर भाजपा नेताओं या गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को लामबंद कर रही हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए, टीआरएस के नेता, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इसके अलावा कुछ और चेहरे जिन पर आपको गौर करना पड़ेगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन तमाम मुख्यमंत्रियों को भी वो लामबंद कर रही हैं। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया, विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नहीं है, इसलिए ममता बैनर्जी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। एक तरफ ममता बैनर्जी 15 जून को विपक्ष को एक करने की कोशिश में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर तमाम गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर रही हैं, उन्हें अपने मोर्चे के अंतर्गत लाना चाहती हैं। बड़ा प्रश्न, जब राष्ट्रपति चुनावों को लेकर विपक्ष अलग अलग आवाजों में बात करेगा, अलग अलग कोशिशें करेगा, तो ऐसे में बीजेपी को चुनौती कैसे दी जाएगी? ममता बैनर्जी कुछ और कह रही हैं, वामपंथी दल कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ और कर रही है। कांग्रेस सड़क पर है वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की हाजिरी है ईडी के सामने। तो कहने को 2 साल बचे हैं अभी लोकसभा चुनाव में, मगर विपक्ष की तैयारी इस वक्त कोसों दूर है दोस्तों, कोसों दूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई दुविधा नहीं, बीजेपी में स्पष्ट है कि उनके चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्हें चुनौती देना होगा किसी भी चेहरे को। विपक्षी दलों के साथ दिक्कत यह है कि तमाम क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, मसलन केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, के चंद्रशेखर राव वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बैनर्जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और ऐसे में ये एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। मगर अगर इन्हें लगता है कि बीजेपी को चुनौती देना है तो एकता के अलावा कोई चारा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक उसकी विश्वसनीयता आम लोगों में ना गिरे। बीजेपी ने आम लोगों में धर्म का धतूरा चटाया हुआ है, लोग इस वक्त धर्म के नाम पर पूरी तरह से ब्रेन वॉश है, नंबर एक। नंबर दो, लोगों के मन में ये पट्टी पढ़ाई जा चुकी है गोदी मीडिया के जरिए कि अगर मोदी जी सत्ता से गए तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, मुगलों का राज हो जाएगा। तो जब इस तरह का प्रोपेगेंडा उनके मन में घर कर गया है ना दोस्तों, तो जनता को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए विपक्ष को लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी, असली मुद्दे जनता के सामने उन्हें लाता रहना पड़ेगा, और असली मुद्दों पर वाजिब राय, सही राय लोगों तक पहुंचाती रहनी पड़ेगी। और हां, मीडिया से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती दोस्तों, मीडिया सरकार को कटघरे में नहीं रखनी पड़ेगी, इसलिए विपक्ष की लड़ाई और भी मुश्किल हो गई है। क्योंकि ये ना भूलें, 2014 से पहले उस वक्त का मीडिया कांग्रेस की सरकार की आलोचना करने की हिम्मत रखता था, उन्हें कटघरे में रखने की हिम्मत रखता था, वो हिम्मत अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।